अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देखो सीखो और जानो। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरबाज। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू एक्सट्रीम टेक इंजीनियरिंग एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन एज वेल एज बिगेस्ट प्लेन। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। लेट विजिट टू द एंटन ऑफ ऑफिशियल साइट एंड सी अबाउट द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन। दोस्तों एक कंपनी है, ऑफिशियल साइट है उसकी एंटोनोव की। हम एक ऑफिशियल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है एयरलाइंस के हवाले से, हम उसकी ऑफिशियल साइट पर आ गए। एक्चुअली ये बनाते हैं प्लेन्स, चाहे उसमें कमर्शियल प्लेन्स हो, कार्गो प्लेन हो, जिस तरह की जेट हो, इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज की चीज़ें की बनाते हैं। तो दोस्तों आपको साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आराम से विजिट भी कर सके। यहाँ पे मैंने एंटोनोव की ऑफिशियल साइट खोली हुई है, पर उसमें मैंने कैटेगरी यहाँ पे ऊपर से चूज़ की हुई है एयरलाइंस, क्योंकि एयरलाइन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन में एज अ पैसेंजर या कमर्शियल प्लेन को उसको या लार्जेस्ट प्लेन नहीं कह सकते, कार्गो प्लेन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन में आता है। तो दोस्तों हम आप नीचे चलते हैं, यहाँ पे इसको विजिट करते हैं साइट को, फिर हम जिस प्लेन के बारे में बात करने उसकी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज में हम इस प्लेन के अंदर क्या क्या ले जा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ें दिखाई हुई कि जिसमें ट्रेन जा सकती हैं, जिस तरह के ट्रक्स जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स जा सकती हैं, ऑयल गैस की डिफरेंट रिग्स की चीज़ें, हेलीकॉप्टर्स यहाँ तक कि आप पूरा लेके जा सकते हैं, एरोस्पेस की, एरोनॉटिकल्स की डिफरेंट चीज़ें जा सकती हैं, और इंडस्ट्रियल की, और इस तरह बहुत सी बेशुमार चीज़ें। नीचे चले तो दोस्तों ये वो प्लेन है मेनली जिसके बारे में हमें बात करना है, और दोस्तों ये है मीरिया 225। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बहुत बड़ी बात बता दूँ कि ये प्लेन पहले दफ़ा कब बना था, 1988 में बना था, और उस तक अभी तक यहाँ तक चल रहा है। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे वही प्लेन चल रहा नहीं, दोस्तों लाजमी बात है अपग्रेडेशन हुई है, उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स बहुत सी चीज़ें बेहतर गई हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी 2021 की लेटेस्ट इमेजेस इन्होंने लगाई हुई है। इस तरह के डिफरेंट एयरक्राफ्ट है, जो नीचे उससे कम वाला आ गया, उससे कम वाला, इस तरह डिफरेंट। हमने बात करनी है दोस्तों इसके बारे में, जो इसका जिसका नाम है AN-225 मीरिया। दोस्तों ये साइट भी मैंने पहले से खोल के रखी है, इसमें आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, पर मैं आपको साइट का लिंक डायरेक्टली दे दूंगा। यहाँ पे इन्होंने इसके करेक्टरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इसकी स्पेसिफिकेशन, इंजीनियरिंग और डिफरेंट की बहुत सी चीज़ें इनकी बताई हुई हैं। गैलरी में उसकी बहुत बेहतरीन इमेजेस इन्होंने सामने दी हुई है, साथ ही डिफरेंट है। स्पेसिफिकेशन हम ज़रा डिस्कस करेंगे विकीपीडिया पे। मैंने विकीपीडिया इसलिए खोल के रखता हूँ ताकि आपको बाकायदा यकीन आ जाए कि एज अ रियल ये चीज़ है, बाकायदे स्पेसिफिकेशन, क्योंकि विकीपीडिया बिल्कुल इसमें ज़्यादातर रियली होता है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट कब बनी थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 21 दिसंबर 1988 को ये फर्स्ट फ्लाइट इसकी हुई थी, यानी उससे पहले बन चुका था, और प्रोड्यूस 1985 में हुआ था। दोस्तों 85 में बना था, 88 में फ्लाइट हुई थी, यानी कि 1980 में ये कम्प्लीट हो गया होगा, 82-83 में कम्प्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों अब तक ये प्लेन चल रहा है, और अभी स्टेटस का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्टिल आपको स्टेटस इन सर्विस नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करेंगे इस प्लेन में हमने अपग्रेडेशन इन्होंने क्या किया, सार्ट अपग्रेड उसको कितना ज़्यादा किया, स्पेसिफिकेशन उसकी कितनी बढ़ाई है, क्या डिटेल्स उसमें नहीं डाली। तो दोस्तों यहाँ पे आप इमेजेस इसकी देख रहे हैं। अब नीचे चले तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इसकी बताई हुई है, जिसमें क्रू यानी कि जो प्लेन को कंट्रोल करना है एट ए टाइम जब वो फ्लाइट में होते हैं, तो उसमें 6 क्रू 6 लोग होते हैं। लेंथ की बात करें तो 275 इसकी फिट लेंथ है, विंग स्पैन इसके है 88.4 मीटर, साथ इसका हाइट की बात करें तो 59 फुट इसकी हाइट है। अब मैक्सिमम वेट ही कितना लेके जा सकते हैं, क्योंकि एज अ कार्गो प्लेन है तो मैक्सिमम वेट की इसमें बात होगी। तो LB में बात करें तो 628.3117 LB, और KG में बात करें तो लैक्स में जाता है 285 लैक, पता नहीं कितने KG। अब नीचे बात करें फ्यूल कैपेसिटी इसकी बहुत बेहतरीन है। स्पीड एक जेट प्लेन को आप देखें, एज अ कमर्शियल प्लेन को, एज अ पैसेंजर प्लेन को देखें, तो उसकी स्पीड लाजमी 1000 से ज़्यादा होती है। अब एज अ ये कार्गो प्लेन है तो इसकी स्पीड लाजमी बात है इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम स्पीड आप इसको 850 तक लेके जा सकते हैं। वैसे ही 530 माइल्स पर आवर पे चलता है या 460 नॉट पे, यानी कि 300, 400, 500 की स्पीड पे चलता है ये। मैक्सिमम अगर बहुत जल्दी पहुंचाना है तो 850 की स्पीड से चलता है। क्रूज स्पीड आप यहाँ पे देखते हैं 800 किलोमीटर है, ये 800 से ऊपर नहीं लेके जाते, ये भी बहुत हाईली पे चलाते हैं, पर 850 फुल हाई है, इससे ज़्यादा तेज़ ये नहीं जा सकता। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट बताए हुए सर्विस सीलिंग और इस तरह डिफरेंट नीचे कैटेगरीज। मेरा मेनली पर्पज़ ये था बताने का कि एज अ वर्ल्ड प्लेन के जो कि इतना पहले बना और अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है, इतनी लाजमी बात है डिफरेंट प्लेन बनते हैं, एमरेट्स और डिफरेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, पर इस तरह का बेहतरीन प्लेन वो नहीं बना पड़े। तो दोस्तों अगर आज की मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।